खबर नालंदा से है, जहां बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार बिहार शरीफ प्रखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग घटनाओं में मृतक के आश्रितों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिया। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के कुल 6 आश्रितों के बीच कुल 12,60,000 रुपये का अलग अलग चेक प्रदान किया गया। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने 3 आश्रितों को आपदा के तहत 4,000,000 का चेक प्रदान किया, जबकि 3 आश्रितों को पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। इस मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपदा पीड़ित परिवारों को सहायता के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके परिवारजनों के संकट की घड़ी का सामना करने के लिए इस तरह की सहायता राशि दी जाती है। सरकार आपदा से जुड़े हर तरह की घटनाओं में हर संभव सहायता लगातार करती आ रही है। इसके पिछले सप्ताह में भी बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा 3 लोगों को आपदा के तहत आर्थिक सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया था। इसकी तो हम जांच हो रही है कि किन कारणों से उनकी मृत्यु हुई है, और जब जांच होगी तब फला फलाएगा कि किन कारणों से ऐसा हुआ। मैं समझता हूं कि आर्थिक तंगी हो सकती है, लेकिन सरकार के तरफ से तो अन्य प्रकार की भी सहायता जो गरीब लोग हैं उनको पहुंचाया जा रहा है, चाहे राशन दिया जा रहा है, वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है।